दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस घर बैठे अपने मोबाइल फोन से कैसे चेक कर सकते हैं। चाहे दोस्तों आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, चाहे स्टेट बैंक में हो या फिर इंडिया यानी भारत के किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है तो आप इस ट्रिक के माध्यम से अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। कभी कभी दोस्तों हमारे साथ ऐसा होता है कि हम एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे में मैसेज नहीं आता है, तो ऐसे में दोस्तों हमको अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना जरूरी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आपका किसी भी बैंक में खाता हो आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल से आप घर बैठे अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं। किसी भी बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए दोस्तों आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ऑल बैंक बैलेंस चेक। ये दोस्तों एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसे आपको ओपन करना है। ओपन करने पर दोस्तों यहां पर आपके सामने कुछ ऐड आएगा, उसको आपको क्लोज कर लेना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर फॉर बैंकिंग स्टफ के नीचे दोस्तों आपको बैंक बैलेंस चेक करने का ऑप्शन मिल जा रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है सेलेक्ट योर बैंक। अब दोस्तों इंडिया में जितने भी बैंक हैं उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इस लिस्ट में आप अपने बैंक को ढूंढ सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से इसको सर्च भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने बैंक बैलेंस को चेक करने के लिए जिस बैंक में हमारा अकाउंट रहेगा उस बैंक को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमारा एक्सिस बैंक में है तो एक्सिस बैंक को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर बोला जा रहा है बैंक बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट और कस्टमर केयर का नंबर। तो दोस्तों बैंक बैलेंस चेक करने के लिए यहां पर ये नंबर आपको मिल जाता है, इस पर आपको मिस कॉल करना रहेगा। तो चलिए इस पर हम कॉल करके चेक करते हैं अपने बैंक का बैलेंस। तो दोस्तों इस पर हम मिस कॉल करते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप कॉल करेंगे ये ऑटोमेटिक आपका कॉल कट हो जाएगा। जैसे दोस्तों आप मिस कॉल कर देंगे तो आपके मोबाइल पर एक एसएमएस आ जाएगा। चलिए हम एसएमएस को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमारे में एसएमएस आ चुका है कि अकाउंट बैलेंस का। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं 6:41 का टाइम हो रहा है, 6:41 पर ये मैसेज आया है दोस्तों, यहाँ पर हमारे अकाउंट का बैलेंस शो कर दिया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस एप्लीकेशन की और कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको किसी भी बैंक का अगर आईएफएससी कोड पता करना है तो आईएफएससी कोड पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा आईएफएससी कोड का, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर इंडिया में जितने बैंक हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी और दोस्तों यहां से आप अपने बैंक का आईएफएससी कोड पता कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इलाहाबाद बैंक का हमको पता करना है तो इलाहाबाद बैंक पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना रहता है कि कौन से स्टेट में आपका अकाउंट है। तो यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपकी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको अपना ब्रांच है उस ब्रांच का आपको देखना है। तो दोस्तों मैंने आगरा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हम होलीपुरा सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ऊपर हमारा आईएफएससी कोड दिया हुआ है। उसके अलावा दोस्तों इस एप्लीकेशन की एक खास बात यह है कि जिस भी ब्रांच का ये आईएफएससी कोड आप सर्च करेंगे उस ब्रांच का ब्रांच मैनेजर का आपको यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पर इस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप उस ब्रांच में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आपको कुछ अपनी आसपास नियर बाय करना है कि हमारे आसपास क्या है, जैसे आपको पेट्रोल पंप सर्च करना है, एयरपोर्ट सर्च करना है, बैंक एटीएम सर्च करना है, बैंक सर्च करना है, जिम होटल जो भी आपको सर्च करना है तो यहाँ पर आपको नियर बाय में आना है। और यहाँ पर दोस्तों बैंक एटीएम जैसे हमें सर्च करना है तो बैंक एटीएम पर हम क्लिक कर देंगे और हमारा दोस्तों लोकेशन यहाँ पर ऑन होना चाहिए जीपीएस। तो यहाँ पर दोस्तों ये बता देगा कि हमारे यहाँ पर ये देख सकते हैं 0.2 मिनट में हम एसबीआई एटीएम में पहुँच जाएंगे, 0.4 मिनट में हम यहाँ पर यूबीआई एटीएम में पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जितने भी नियर बाय एटीएम रहेंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके अलावा दोस्तों इस एप्लीकेशन की और एक और खास बात है कि आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जितने भी फ्यूल के रेट रहेंगे तो यहाँ पर आपको करंट रेट बता दिया जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर भी पेट्रोल का रेट 76.29 रुपये चल रहा है और डीजल का रेट 66.19 रुपये चल रहा है।
उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप सिटी चेंज करके भी अपने फ्यूल का रेट आप देख सकते हैं कि आपके सिटी में फ्यूल का रेट कितना चल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। बड़ा आसान था, आप अपने मोबाइल से घर बैठे अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।